मंच पर इस ग्राम सभा के भारतीय जनता पार्टी के इस ग्राम सभा के संयोजक बड़े भाई आदरणीय प्रदीप पांडे जी, जिनके दरवाजे पर आप सब बैठे हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान आदरणीय बाबूलाल जी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद बाबूलाल जी, इस बैठक के आयोजककर्ता हम लोगों के साथ ही मित्र जो हम लोगों के साथ पढ़े भाई अजीत जी, उपस्थित माताओं बहनों दोस्तों नौजवान साथियों पत्रकार बंधुओं हरिंदर राजभर जी और भी जो सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारी साथी हैं, साथियों पूर्व के वक्ताओं ने इस चौपाल के बारे में बताया होगा कि पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो जन चौपाल लगाई जा रही है पार्टी की तरफ से, उसका मुख्य एजेंडा क्या है, यह बड़े ही संयोग और सौभाग्य की बात है। पार्टी की सरकार है, परम पूज्य योगी हमारे बीच में इस ग्राम पंचायत के इस बैठक के संयोजक आदरणीय प्रदीप पांडे जी और पूर्व प्रधान जो 10 वर्ष इस ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में काम किए आदरणीय बाबूलाल जी, बूथ अध्यक्ष आदरणीय संदीप गुप्ता जी, हमारे मित्र और आज पेपर के लोकल प्रतिनिधि के रूप में गोपागंज में जो पत्रकारिता करते हैं ऐसे हमारे अविनाश पांडे जी, दो भाई पत्रकार हैं, उस माता को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिन माता ने इन तीनों भाइयों को ऐसे सपूत के रूप में इस मां भारती की सेवा करने के लिए लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता जगत होता है, दोनों सपूतों को पत्रकार बना करके इन गरीबों की आवाज को गरीबों के चेहरे के मुस्कान लाने के अभियान को इस देश में गति दे रहे हैं, ऐसे माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बैतूल कार्यकर्ताओं, हमारे अग्रजों और हमारी देवी स्वरूप माताओं आपके चरणों में सिर झुका कर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन के योजना के अनुसार मऊ जनपद भारतीय जनता पार्टी की इकाई मऊ जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में 11 तारीख से लेकर और 18 तारीख के बीच में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, जिसमें हम आम जन से उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल में और भारत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपने जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। उनको हम बता रहे हैं कि लगभग 400 सुपर जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे नए भारत के निर्माण में, कैसे उत्तर प्रदेश में गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सरकार रात दिन प्रयत्न करके लॉन्च की हुई है और पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बिना किसी बिचौलिए के हम एक एक योजनाओं को दरवाजा पर जनता के चौकर तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी पर हम सब जन चौपाल किए हुए हैं। जो हमारे ऐसे ग्राम पंचायत में लोग हैं जो योजनाओं का लाभ नहीं पा पाए हैं या किसी प्रकार को उनको कठिनाई और परेशानी हो रही है, उसमें हम सब अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका सहायक होना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मऊ जनपद अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के इस दौर में जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के पद पर आसीन कराने के लिए 3400 जिला पंचायत वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार उतारने जा रही है, वहीं प्रत्येक ब्लॉकों पर कुछ 9 ब्लॉक नौ ब्लॉक पर अपने ब्लॉक प्रूफ बनाने की योजना बना रहे हैं।